जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। तो आप में से वैसे तो भाई कोई कमेंट करता नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ भाई दोस्तों, द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिश स्टेटस के बारे में। भाई ट्रिश स्टेटस का रिटर्न हुआ था इस साल रेसलमेनिया के आसपास, और अब तक वो WWE में हमें रेगुलर देखने को मिल रही हैं। उनका मैच हुआ बैकी लिंच के साथ, 3 बार मैच हुआ शायद ये, और फाइनली इनकी फ्यूड एंड हो चुकी है। अब आगे की जर्नी ट्रिश स्टेटस की चलने वाली है जोश स्टार्क के साथ। और अगर आप सबको लग रहा है कि ट्रिश स्टेटस जाने वाली है, तो भाई ऐसा नहीं है। वो 1 साल का रन देने वाली है कंपनी के अंदर और रेसलमेनिया 40 तक रहने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल ट्रिश स्टेटस एज अ हील है, एज अ फेस है, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ट्रिश स्टेटस पेबैक में हारने के बाद जोश स्टार्क ने अटैक किया था, जो भी हुआ था उसके बाद उन्होंने ऑडियंस को थैंक यू किया। लेकिन फिलहाल मेरी मान लो ट्रिश स्टेटस एज अ हील ही है अभी भी, और जोश स्टार्क के साथ उनका मैच हो रहा है, और देखना होगा किस तरह का मैच होता है, क्या जर्नी चलती है। लेकिन रेसलमेनिया 40 तक ट्रिश स्टेटस रहने वाली है, और रेसलमेनिया 40 में ट्रिश स्टेटस का एक बड़ा मैच होने वाला है लीटा के अगेंस्ट। जी हाँ, और ये मैच आपको दिखने वाला है, श्योरिटी से कह रहा हूँ, क्योंकि ट्रिश स्टेटस ने लीटा पे अटैक किया था रेसलमेनिया के दौरान, और फिर बैकी लिंच के साथ फ्यूड स्टार्ट हुई थी इसकी। तो लीटा बदला लेगी अपना, और रेसलमेनिया 40 के अंदर इनका मैच कंफर्म है होने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो ट्रिश स्टेटस के लिए, मैंने सोचा आपको अपडेट बता दूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड करें, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय श्री।